नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, ये जो मेरे चैनल का नाम है फायर इन इंडिया, उसी के बारे में आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। ये जो वर्ड फायर है मेरे चैनल के नाम में FIRE, इसका फुल फॉर्म कई सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इसी वजह से वो मेरे चैनल से जुड़े हैं। इसका फुल फॉर्म है फिनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। What does that mean, you asked? So my gadgets, my lifestyle expenses, मेरे travel के खर्चे, मेरे monthly household के खर्चे, जो groceries वगैरह जो भी घर में खर्चे होते हैं वो, all the bills, mobile bill, internet bill, electricity, water, anything, party expenses, दो मैं इतनी parties करता नहीं लेकिन कभी कभी जो करता हूँ उसके expenses, etc., etc., एटसेट्रा विल बी पेड बाय माई एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज। यानी कि मुझे अब सैलरी से कोई भी ये वाले एक्सपेंसेस खर्च नहीं करने हैं, मेरे सारे एक्सपेंसेस मेरे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज से पे होंगे, विच इज अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज सैलरी पे अब मेरे एक्सपेंसेस डिपेंडेंट नहीं है। इसी को कहते हैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। मेरे ये एक्सपेंसेस पहले भी इसी तरह खर्च हो रहे थे, काफी समय से मैं इस तरह का इंडिपेंडेंस पा चुका था, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने सारे डेट्स क्लियर कर दिए हैं। कार लोन मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था, क्रेडिट कार्ड लोन मैंने कभी लिया ही नहीं, और कोई लोन मेरे ऊपर था नहीं। एक पर्सनल लोन बहुत पहले था, वो तो मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन होम लोन जो सबसे बड़ा लोन मेरे ऊपर था वो मैंने रिसेंटली क्लियर कर दिया है। उसके बाद अब मैं कंप्लीटली डेट फ्री हो गया हूँ और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे और सोर्सेस से मेरी अब इनकम आ रही है और उसका क्या मतलब है। जो मेरा घर था जो मैंने अभी रिसेंटली बेचा, वो मुझे दे रहा था लगभग 15,000 रुपए का किराया, ठीक है। उसको बेचने के बाद, अपना होम लोन उसमें से पे करने के बाद, अब जो मेरे पास पैसा बचा उसे मैंने इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि मैंने अब दो वर्चुअल घर ले लिए हैं। क्या है ये वर्चुअल घर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब आप मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो देखेंगे। इन दो वर्चुअल घरों से मेरे पास आ रहा है अब किराया मंथली 30,000, और इन दो वर्चुअल घरों की कीमत है लगभग 20 लाख से भी कम। तो क्या है वो इनकम सोर्स, मैं जैसे कि आप मेरे कई सारे वीडियोस पहले देख चुके हैं उनमें मैं बता चुका हूँ, शेयर मार्केट मेरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। उसके अलावा जो मेरे पैसिव इनकम सोर्स हैं, जहाँ मुझे एक्टिवली कुछ करना ही नहीं होता, एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद अपने आप इनकम आती रहती है, उसके ऊपर मैंने इतने सारे वीडियोज नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ताकि उन लोगों को जिन्हें ये समझना है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए, एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स वो मेरा पर्सपेक्टिव है, किसी और का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या आइडियल पोर्टफोलियो है, मैंने उसे यूज करके कैसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंट अचीव की है, और अभी मैंने अर्ली रिटायरमेंट अचीव नहीं की है, वो है मेरा नेक्स्ट गोल। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट के लिए पूरे 60 साल तक जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है इंडिया में, तब तक वेट नहीं करना, उससे पहले रिटायरमेंट ले लेना। मेरा गोल है 40 ईयर्स ऑफ माई एज, ठीक है। तो मेरे पास लगभग अभी 3 साल और हैं, तो देखते हैं मैं 40 ईयर्स तक रुकता हूँ या उससे पहले ही अर्ली रिटायरमेंट ले लेता हूँ, लेकिन दैट इज माई नेक्स्ट गोल। तो आपको अपडेट करता रहूंगा मेरी जर्नी कैसी जा रही है फायर की। तो ये एक क्विक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करना चाहता था, जो मैंने पिछले हफ्ते अपने पोस्ट में डाला था कि यही है वो अनाउंसमेंट मेरे फायर गोल से रिलेटेड। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ नए टिप्स के साथ, ताकि आप भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें और अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें और मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा, बाय बाय।